रवाना हो गए हैं टी स्टेशन के तरफ। वहाँ से हम लोग ग्रीन लाइन का ट्रेन लेके पहुँचेंगे सीधे बोस्टन में कोपले स्क्वायर, और कोपले स्क्वायर के पास है रिवर साइड एस्प्लेनेड जो आज हम लोगों का डेस्टिनेशन है। सो आज का दिन दोस्तों जैसे देख रहे हैं बहुत सनी है, और इस टाइम जो है कहने को तो स्प्रिंग है लेकिन फिर भी टेम्परेचर अच्छा खासा लो टेम्परेचर है अभी। सो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अपडेट क्योंकि सनी है, तो होपफुली जैसे जैसे और ज़्यादा जो है अराउंड नून टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सो अभी वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा ठंड है लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है, एंड लेट अस सी आज का दिन कैसे जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं वुडलैंड टी स्टेशन, यहीं से हमें बोस्टन के लिए ग्रीन लाइन सबवे मिलेगा, और इससे जब हम जाएंगे सो इट विल टेक अराउंड 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर टू रीच बोस्टन। बोस्टन में अलग अलग स्टॉप है, हम लोगों का डेस्टिनेशन है कोपले स्क्वायर जो कि बोस्टन कॉमन से दो स्टेशन पहले है। सो वहाँ पर उतर के हम लोग पैदल, क्योंकि पास ही है, जाएंगे रिवर साइड एस्प्लेनेड। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रेन स्टेशन में। जैसे आप देख सकते हैं एक रिवर्स डायरेक्शन से ट्रेन आ रहा है जो कि बोस्टन से अभी रिवर साइड की तरफ आ रहा है। हम लोग जाएंगे उल्टे डायरेक्शन में, बट हम इसके लिए वेट करेंगे क्योंकि हमें दूसरे तरफ जाके टिकट काटना होगा। हम लोग आ चुके हैं कोपले स्टेशन के बाहर। यहाँ से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है रिवर साइड एस्प्लेनेड पार्क जहाँ आज हम जाएंगे। ये स्टेशन इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका आर्किटेक्चर देखने लायक है, और इसके आसपास भी ऐसे कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। सो हम एक अलग दिन आके इन सारे बिल्डिंग्स को ठीक से देखेंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। After a portrait artist named John Singleton Copley, if you go to our Museum of Fine Arts, you'll see a lot of his work. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ये एक ब्रिज है जिससे हम लोग एक बिजी रोड क्रॉस करके पहुंचेंगे बोस्टन एस्प्लेनेड पार्क में, और वहां पर हम लोग चेरी ब्लॉसम देखेंगे, और वहां पर काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ भी है, फन एक्टिविटीज़ वो भी करेंगे। और ये है चेरी ब्लॉसम जिसके लिए प्राइमरीली आज हम लोग यहाँ पर आए हैं।
खैर चेरी ब्लॉसम छोड़ के भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, लेकिन मेन रीज़न हम लोगों के आने का यही था। सो ये है चेरी ब्लॉसम, जो फ्लावर्स हैं जो स्प्रिंग टाइम में होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। वाशिंगटन डीसी में सबसे फेमस है, लेकिन उसके बाद आता है बॉस्टन। बॉस्टन में थोड़ा लेट होता है क्योंकि बॉस्टन में स्प्रिंग भी थोड़ा लेट आता है, वाशिंगटन डीसी में थोड़ा सा पहले होता है उनके स्प्रिंग टाइम के हिसाब से। सो ये है जो फ्लावर्स, आपको एकदम पास में ले जाके दिखाते हैं। ये फ्लावर्स है बिल्कुल पेपर जैसा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये पार्क जो है खास करके यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाई देगा चेरी ब्लॉसम। इस पार्क का एक तरह से ये स्पेशलिटी है, यहाँ पर लोग इसी को देखने ज़्यादातर आते हैं। ये देखिए एक के बाद एक आपको दिख जाएगा चेरी ब्लॉसम ट्री, चार्ल्स रिवर के साथ साथ। ये ऐसा एक सीजनल चीज़ है जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए साल में एक ही बार होता है, इसीलिए इसका इतना एक यूनिक अट्रैक्शन है। शायद बाकी चीज़ें आपको मिल जाएगा राउंड द ईयर या एक कंसिडरेबल टाइम के लिए, बट ये एक चीज़ है जो सीजनल है और बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसका अट्रैक्शन है, लोग आते हैं दूर दूर से देखने। जैसे कि देख रहे हैं बॉस्टन में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी गुड। चेरी ब्लॉसम देख के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे और ज़्यादा हमें मिलेगा। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी कि आगे क्या क्या है। ये एक वॉकवे है चार्ल्स रिवर के साइड में, जैसे हमारे पीछे आप रिवर देख सकते हैं, और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर साइकिलिंग करने, कई लोग आए हुए हैं जस्ट चेरी ब्लॉसम देखने। सो वाइब्रेंट एटमॉस्फियर है और आज सनी है इसलिए लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है, लेकिन हाँ फिर भी ठंड है। अभी देखिए पानी में कसरत किया जा रहा है, एकदम पानी के पास आ गए हैं सब। क्या है भाई, क्या इरादा है? पानी में कूदने का इरादा है क्या? हाँ अच्छा लग रहा है।
जा रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क की तरफ, जैसे सामने बहुत सारे झूला और स्लाइड्स ये सब लगा हुआ है। सो उसको चेक करते हैं कैसा है और जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर। ये पार्क का एक पार्ट है, कॉर्नर पार्ट है जिसमें ये चिल्ड्रंस पार्क है। सो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पर। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा सा है, देखिए ये एक बना हुआ है जो स्लाइड है, ये काफ़ी यूनिक सा है। अच्छा, इसमें लोग क्लाइंब करके, रॉक क्लाइंबिंग की तरह क्लाइंब करके उठ रहे हैं और ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। दिस इज़ गुड। काफ़ी लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं। आज का टूर हम लोगों ने टोटली एंजॉय किया है। चेरी ब्लॉसम हमने फर्स्ट टाइम देखा और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगले साल हम लोग फिर से यहीं पर आएंगे चेरी ब्लॉसम देखने। और चेरी ब्लॉसम के अलावा भी यहाँ बाकी जो चिल्ड्रंस पार्क है, रिवर है, ये सब भी हमें बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।